Yeah, I'm so hot and so sexy, baby. Pika u qu, maru dil tu lejle. Tere pjar me pjasi, ho gaj me taksi. Sa gjën mu ki pjele sa të klasi. Tari sa të hu qaru fera fëresh. Tari hëti, tari qune, tari rëhesh. Mërgjë në hibata me gaga ungi. Ute si dhe lëvzo se banda ungi. Mënu me gjua e ke he gja ungi. Qaru hërdo përën a që dyrë gorge. Let's rock. Naungi ese chab kya gaungi tune bhi kya baat kahi has bol ke let's rock your mama let's rock oh main to bhul gayi phir kya warning say something's on the j house rock something's on the j house rock something's on the j house rock something's on the something's on the j house da 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 राजेश खन्ना साहब जो थे वो किंग ऑफ रोमांस थे और उनके करियर में न जाने कितने रोमांटिक गाने थे जो आज हमारे कंटेस्टेंट्स हमें सुनाएंगे. आपका पर्सनल फेवरेट इनमें से कौन सा है? बहुत सारे गाने हैं, एक चुनना बहुत मुश्किल है. चाहे वो रोमांटिक गाने हो या सैड गाने हो या खुशी के गाने हो, राजेश खन्ना साहब के अत्यंत गाने हैं. इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में आता है वो है कुछ तो लोग कहेंगे. जीतू जी, हमने जो सुना था कि मतलब कमाल की फ़ैन फॉलोइंग थी राजेश खन्ना साहब की, यहाँ तक सुना था कि लड़कियाँ उन्हें खून से चिट्ठियाँ लिखा करती थी, उनकी फ़ोटो से शादी कर लेती थी वगैरह वगैरह. उन दिनों में मुझे बुखार रहता था जब भी इसका नाम आता था. ही वॉज सो पॉपुलर, ही वॉज एनी कॉम्पिटिशन्स नाइटमेयर. हर आदमी, हर एक्टर, हर कलीग सोच नहीं पाता था कि ये डेप्थ, ये हाइट ऑफ पॉपुलरिटी हो सकती है. ही वॉज फिनोमिना. आज मैं जब उसके गाने सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, समझ में आता है ये क्या हुआ होगा. एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कोलकाता में शूटिंग थी अमर प्रेम की और उस दौरान वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उन्हें थोड़ी चिंता थी कि, और थोड़ा छुप छुप के शूटिंग करी गई थी हावड़ा ब्रिज पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर सबको बता दिया जाएगा तो शायद उन्हें इतना डर था कि इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी कि एक्चुअली ब्रिज गिर जाएगा. नहीं, मुझे ये वाकया याद नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है ये हावड़ा क्या, ये किधर भी जाता था तो ऐसा ही होता था. दोस्तों, राजेश खन्ना साहब ने 1969 और 1972 के बीच 15 लगातार सुपर हिट फिल्में दी. आई मीन दैट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल. इनफैक्ट इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है. राजेश खन्ना ने अपने 40 इयर्स के करियर में अप्रोक्सीमेटली 163 फिल्म्स बतौर अभिनेता की है, जिनमें से 73 गोल्डन जुबली हिट्स रही हैं और कुछ 22 सिल्वर जुबली हिट्स. दैट्स अनबीटेबल, अनबीटेबल, एब्सोल्युटली.
आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है. क्या है तुम्हारे पास? आई क्या है? मेरे पास मलिक है, अनु मलिक. दोस्तों आपको याद दिला दे, ये आइकॉनिक डायलॉग है हमारे अगले शोमैन की फिल्म दीवार का, जिन्होंने यू तो हर जॉनर की फिल्में बनाई हैं, पर ये मशहूर है किंग ऑफ रोमांस के नाम से. जरा सोचिए दोस्तों, 1959 में आई थी इनकी पहली फिल्म धूल का फूल, और लेटेस्ट आएगी इस साल, यानी पूरे 53 साल बाद. अनबिलीवेबल, द वन एंड ओनली शोमैन यश चोपड़ा. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. तेरी जुल्फ फिर सवार क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. कोई यहां आ नचे नचे, कोई वहां आ नचे नचे, सारे हंसे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.